वेलकम बैक अगेन इन द न्यू वीडियो। लास्ट टाइम हमने 4 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, स्थायीकरण का आवेदन कैसे करें। वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला और लगभग 8,800 लोगों ने देखा और इनका स्थायीकरण भी हो चुका है। उनको मैं कहना चाहूंगा आपको बहुत सारी बधाई, कांग्रेचुलेशंस। अगर आपका स्थायीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है तो मैंने इसमें संपूर्ण प्रोसेस बहुत ही इजी वे में बताया था। ये वीडियो उनके लिए खास है जिनका स्थायीकरण हो चुका है और अब आगे के कुछ प्रोसेस होते हैं जो उनको SSID पर जाकर करने हैं। मैं यहाँ पर वीडियो की डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट टाइम जो वीडियोज मैंने बनाया था उसमें लगभग बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया, लेकिन 8,000 लोग जिन्होंने ये वीडियोस देखा था उन्होंने सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर काउंट देखता हूं तो बहुत ही कम आते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो स्थायीकरण जिनका पहले हो चुका है वो भी देख सकते हैं। और क्या अपडेट्स करने हैं मैं आपको यहां बताता हूं। मैं अपने कंप्यूटर में एक नई टैब ओपन करता हूं और यहां पर अपनी SSID को ओपन कर लेता हूं। यहां पर ये वाली जो वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in को ओपन करता हूं और अपनी SSID यहां से भरने के बाद पासवर्ड को फिलअप कर दूंगा। अगर आपके पास SSID का पासवर्ड नहीं है तो मैंने पासवर्ड रिकवर करने का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने कैप्चा वगैरह फिलअप कर दिया है और मैं यहां से लॉगिन कर देता हूं। यहां पर इसे मैं शपथ लेता हूं पर एक्सेप्ट कर लेना है और आपको ये वाली एप्लीकेशन जो SIPF लिखा हुआ है इसे ओपन कर लेना है। अगर आपकी ये एप्लीकेशन शो नहीं होती है तो आप यहां पर क्विक सर्च में टाइप करके भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। यहां पर आपको SIPF टाइप करनी है तो ये वाली एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगी, आपको इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहां पर सारी डिटेल शो हो जाएगी, इसे क्लोज कर देना है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका नाम, हस्बैंड नेम और जो भी हो हस्बैंड वाइफ का नेम और बर्थडे, आधार, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी और एम्प्लॉय आईडी, यहां पर डिपार्टमेंट और DDO, यूनिट और डेजिग्नेशन, इसके बाद यहां पर बेसिक पे शो होती है। मैं मुख्य बात यहां पर बेसिक पे को लेकर ही बताऊंगा। हालांकि आप सारे यहां पर अगर कोई किसी भी तरह की कोई मिस्टेक है तो आप मेरे बताए प्रोसेस से उसे सही कर सकते हैं अगर आपकी गड़बड़ा रही है। मैक्सिमम लोग जिनका स्थायीकरण हो चुका है यहां पर बेसिक पे पुरानी वाली आ रही होगी, हालांकि मैंने अपने यहां पर अपडेट कर दिया है तो मेरे नहीं आ रही है। मैं यहां बताऊंगा आपको नई कैसे किस तरह से नई बेसिक पे को अपडेट करना है, यहां पर आपको फिलअप करना है। अब यहां पर अपडेट करने का जो प्रोसेस है वो आपकी लॉगिन आईडी से नहीं होगा, ये केवल DDO की लॉगिन आईडी से ही होगा। तो आपको अपने DDO की लॉगिन आईडी में जाकर ये करना होगा। अगर DDO खुद कर देते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं करते हैं तो आप मेरे बताए हुए प्रोसेस से उनके पास SSID और पासवर्ड लेकर के उनके सामने कर सकते हैं। सबसे पहले हम DDO की आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं DDO की लॉगिन आईडी से लॉगिन जरूर करूंगा क्योंकि ये काम केवल DDO लॉगिन से हो सकता है। मैंने DDO की लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर सेम टाइम सेम चीज SIPF आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है और SIPF टाइप करने के बाद ये वाली जो एप्लीकेशन शो हो रही है वो शो हो जाएगी, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। इस तरह का पॉपअप आता है तो आप इसे क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको कस्टमर की जगह पर DDO रोल को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर DDO रोल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप एम्प्लॉय में क्लिक करेंगे और ट्रांजेक्शन पर भी क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक और एम्प्लॉय नाम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो इसे ओपन कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पर आपको एम्प्लॉय को सर्च करना है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एम्प्लॉय आईडी से नाम से जो भी आपका नाम है या फिर आपकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर डाल देंगे। मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। अपना नाम डाल के यहाँ सर्च कर लेना है, आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर आप अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिएगा, आपकी डिटेल नीचे की तरफ शो हो जाएगी। फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल पर क्लिक करके भी इसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल सही करनी हो, सर्विस डिटेल सही करनी हो, स्कीम डिटेल सही करनी हो या फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल सही करनी हो तो सही कर सकते हैं। सर्विस डिटेल में जाते हैं तो आप यहाँ पर बेसिक पे को सही कर पाएंगे, पे लेवल को भी सही कर पाएंगे। तो ये सारी डिटेल जो यहाँ पर शो हो रही है आप सभी को सही कर सकते हैं। ये वीडियो था किस तरह से आप अपने बेसिक पे और पे लेवल को अपडेट करेंगे अपने SSID में। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए